हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। नेक्स्ट हमारा जो सेलेक्टर है वो फोर्थ नंबर का है। टैक्स सेलेक्टर हो गया हमारा। हाँ सॉरी, ये वापस रिवाइंड हो गया। नेक्स्ट हमारा सेलेक्टर है क्लास सेलेक्टर। ठीक है, जैसे पर्टिकुलर क्लासेस होती हैं उसी तरह हम हमारे CSS प्रोग्रामिंग के थ्रू क्लासेस के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग अप्लाई करवा सकते हैं। इट इज यूज टू डिफाइन एनी HTML एलिमेंट विच हैज़ द क्लास एट्रीब्यूट्स, यानी उन एलिमेंट HTML एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए जिस पर कि आप पर्टिकुलर कोई क्लास एट्रीब्यूट्स लगाते हैं उनके लिए हम क्लास सेलेक्टर का यूज करते हैं। द एलिमेंट हैविंग दैट क्लास विल बी फॉर्मेटेड स्टाइल अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल। ये जो भी एलिमेंट्स होंगे जिन पे आपने क्लास अप्लाई करवाई होगी, वो जो भी क्लासेस होगी उन सभी पे क्या हो जाएगी, आपकी फॉर्मेटिंग और स्टाइल्स क्या हो जाएगी, आपकी रूल्स के अकॉर्डिंग अप्लाई हो जाएगी। तो आप क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं आपके किसी भी एलिमेंट्स पर, किसी भी टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग के लिए। और इट कैन बी डिफाइंड बाई यूजिंग फुल स्टॉप सिंबल अलॉन्ग विद द क्लास नेम। ये किस तरह डिफाइन किया जाता है, जैसे कि आपने एस्टेरिक और हैशटैग का यूज़ करा, क्लास में हम किसका यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप सिंबल का यूज़ करते हैं हमारे क्लास नेम को डिफाइन करने के लिए। इसके सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स ऑफ क्लास सेलेक्टर, देखिए सिंटैक्स में डॉट ABC, ABC क्या है, यहाँ पे हमने जो भी क्लास का नेम दिया है वो क्या है, हमारा क्लास का नेम शो करवा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, डॉट ABC क्लास का नेम। और यहाँ पे क्या दे दिया हमने, फॉर्मेटिंग करवाने दे दिए कि हमें क्या फॉर्मेटिंग इस क्लास के ऊपर अप्लाई करवानी है जहाँ जहाँ हमने ये क्लास दिया है। कर्ली ब्रेसेस का आप जानते ही हैं, और हमने यहाँ फॉर्मेटिंग अप्लाई करवा दी और कर्ली ब्रेसेस क्लोज करवा दिए। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। अब देखते हैं, देखिए हमने यहाँ पे हेडिंग दे रखी थी, यानी हमारे टैग्स सेलेक्टर का यूज़ कर रखा था। अब हम इस प्रोग्राम में क्लास को डिफाइन करने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, पहले हेडिंग्स को रिमूव कर देंगे। अब क्लास, जैसे कि मैंने आपको इसकी थ्योरी में भी बताया था कि एक पर्टिकुलर क्लास के लिए आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लास प्रॉपर्टीज़ लिखी और उसकी वैल्यूज़ में आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। क्लास टैग लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया है कोई सा भी नेम, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को या जितने भी आपके HTML के प्रोग्राम में उसे एक क्लास दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लास दे दिया है अपना, कोई सा भी डमी क्लास दी है, तो आप भी चाहे तो इसे दे सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, स्टाइल सेक्शन में जाके वहाँ पे डॉट लगा के आपको क्या लिखना होगा, क्लास का जो भी आपने नेम दिया था वो क्लास वहाँ पे लिखना होगा। ब्राउज़र सेव करके ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो वो कहाँ पे अप्लाई होगा, जहाँ पे आपने अपनी क्लास दी है। अभी हमने हेडिंग वन में दे रखी थी इसलिए हेडिंग वन में शो हो रहा है। चलिए देखते हैं कहीं दूसरी जगह क्लास लगा अप्लाई करके। चलिए पहले यहाँ पे एक बार कलर चेंज करके देख लेते हैं, कलर लाइट ग्रीन करके देखते हैं कि क्या हमारे ब्राउज़र पर हमें ये इफेक्ट शो हो रहा है। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ब्राउज़र पे रन करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ से बैकग्राउंड लाइट ग्रीन इसमें ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं हो रहा था, इस कारण यहाँ पे शो नहीं हुआ है। तो आपके ब्राउज़र पे जो भी कलर सपोर्ट करे आपको वो यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ से इसे एक बार डिलीट कर देते हैं क्योंकि लाइट ग्रीन का कलर इफेक्ट यहाँ पे शो नहीं हुआ है। यहाँ पे रख लेते हैं हम येलो, यानी बैकग्राउंड का कलर क्या रख दिया है हमने, येलो। सेव करके ब्राउज़र विंडो पे आके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर क्या हो रहा है, आपको येलो शो रहा है। और वो केवल आपकी उस हेडिंग पे अप्लाई हो रहा है जहाँ पे आपने क्लास दे रखी, उस क्लास के लिए ही पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है, आपने हेडिंग में दे रखी है। मान लीजिए आप पैराग्राफ में या कहीं और भी यही क्लास डिफाइन करवाना चाहते हैं, तो यहाँ से क्या कर लेते हैं अपन, इसे कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी और यहाँ पे ले जाके कंट्रोल वी कर देते हैं। क्लास टाइप यहाँ पे वही है जो आपने ऊपर टाइप करी है। ठीक है, अब एक बार इससे सेव करते हैं, कंट्रोल एस से सेव करा हमने, और हमारे ब्राउज़र में जाके हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपने जिन जिन क्लास के लिए फॉर्मेटिंग डिफाइन करी थी उन उन क्लास पर आपके फॉर्मेटिंग आपको आपके ब्राउज़र विंडो पर
शो होने लग गई है। तो यही है क्लास, जहाँ जहाँ आप क्लास को डिफाइन करेंगे उसी पर्टिकुलर क्लास पर क्या हो जाएगी, आपने जो भी फॉर्मेटिंग दी है वो अप्लाई हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास का लास्ट सेलेक्टर, जिसका नेम है ग्रुप सेलेक्टर। ठीक है, ग्रुप जैसा कि आप जानते हैं कि आप बहुत सी यूनिट्स को क्या कर देते हैं, एक सिंगल यूनिट बना देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है। इन CSS ग्रुप सेलेक्टर इज यूज्ड टू ग्रुप टुगेदर सेलेक्टर्स इनटू वन। वही यानी जो भी आपने बहुत सारे अलग अलग सेलेक्टर्स लगाए हैं उन्हें एक ग्रुप में ऐड करने के लिए हम ग्रुप सेलेक्टर का यूज करते हैं। यू हैव टू ग्रुप टुगेदर बाय सेपरेटिंग ईच एलिमेंट विथ कॉमा। आप ग्रुप बनाने के लिए हर एलिमेंट के बीच में क्या लगाएंगे, वहाँ पे कॉमा का यूज करेंगे। जिस तरह आपने एस्टरिक, हैशटैग, डॉट का यूज करा है, उसी तरह आपको यहाँ पे ग्रुप में कॉमा लगाना होगा। यू कैन गिव द सेम प्रॉपर्टी टू अ नंबर ऑफ सेलेक्टर्स विदाउट हैविंग टू रिपीट दैम। ठीक है, आप बहुत से सेलेक्टर्स के, बहुत से जिन पर भी आप ग्रुप अप्लाई करवाना चाहते हैं उन्हें यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। आपको बहुत से ग्रुप पे फॉर्मेटिंग के लिए, बहुत से टैग्स पे फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे क्या करना होता है, केवल उन्हें कॉमा अप्लाई करके आपको ऐड करवाना होता है। आप उन सभी पे फॉर्मेटिंग के लिए अलग अलग आपको स्टाइल देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। आप केवल एक ग्रुप के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, उस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करवा सकते हैं आपके पूरे जो भी वेब पेज बना रहे हैं। ग्रुपिंग सेलेक्टर इज यूज्ड टू मिनिमाइज द कोड। ग्रुपिंग सेलेक्टर आपके कोड को मिनिमाइज करने में यूज में लिया जाता है। चलिए देखते हैं इसका सिंटैक्स। देखिए यहाँ पे आपको दो दिख रहे हैं, लेट्स सी दिस CSS कोड। यहाँ पे हमने विदाउट ग्रुप सेलेक्टर के, देखिए H1 हेडिंग पर अगर हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर ब्लू करना चाहते हैं तो हमने इस तरह से फॉर्मेटिंग कर दी। ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस हमारे क्लोज कर दिए। अब हम हेडिंग 2 टैग पर अगर कोई क्लोज करवाना चाहते हैं, वो स्टाइल अप्लाई करवाना चाहते हैं हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में, कि हेडिंग 2 का क्या टेक्स्ट अलाइन क्या हो जाए सेंटर और कलर हो जाए ब्लू, उसी तरह हमने पैराग्राफ के लिए यहाँ पे क्या करवा दिया, अलग अलग असाइन करवा दिया। अब अगर हम इसकी जगह CSS ग्रुप का सेलेक्टर का यूज़ करते हैं, तो देखिए हमने H1 लगाया, कॉमा लगाया, H2 यहाँ पे टैग लिखा, कॉमा लगा के हमने P टैग यहाँ पे लिख दिया। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करें हमने, देन उसके बाद हमने जो भी फॉर्मेटिंग हमें इन टैग्स पर अप्लाई करवानी है, इन सभी टैग्स पर, वो फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पे लिख कर कर्ली ब्रेसेस क्लोज करवा दिए। अब देखिए पहले आपका जो सिंटैक्स लिखना हो रहा था आपको फॉर्मेटिंग के लिए, वो बहुत ज़्यादा वाइड हो रहा था। अब आपका जो सिंटैक्स CSS ग्रुप के सेलेक्टर के थ्रू आप करवा रहे हो तो उसकी साइज़ क्या हो गई, थोड़े कम, यानी आपका स्पेस ही बचा रहा है, आपका वर्किंग टाइम भी बचा रहा है और आप कम समय में अपने जो भी वेबसाइट है उसके डिज़ाइन के लिए फॉर्मेटिंग ग्रुप सेलेक्टर के थ्रू कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। ये हमारा वही प्रोग्राम है जहाँ पे हमने क्लासेस डिफाइन करी थी, तो क्लासेस को क्या कर देते हैं अभी हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं ताकि हम ग्रुप वाले सेलेक्टर्स को समझ सकें। तो देखिए पैराग्राफ के आगे यहाँ पे क्लासेस दिख रही है और आपने सिंटैक्स में भी, स्टाइल्स में भी क्लास के जो टाइप था वो दे रखा था। यहाँ से हमने हटा दिया है, रिमूव कर दिया है क्लास को और यहाँ पर हम लिख देते हैं एक बार इसे हेडिंग 2 सेट कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम इसे अच्छे से समझ पाएँ। हमने जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसे हेडिंग 2 का टैग्स दे दिए हैं। ठीक है, अब इस तरह से हमने क्या दे दिया हमारे डॉक्यूमेंट में, एक तो हेडिंग 1 हो गई है, एक हेडिंग 2 हो गई है और एक थर्ड हमारे पास क्या है, एक पैराग्राफ आपको इस पर शो हो रहा है। अभी हम बात करेंगे ग्रुप्स की। ग्रुप के बारे में तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम बिना ग्रुप के फॉर्मेटिंग करते हैं, हेडिंग 1 पे देना चाहते हैं, तो देखिए हमने ये फॉर्मेटिंग कर दी, कंट्रोल एस से सेव करा, ब्राउज़र विंडो को रिफ्रेश करा, तो ये देखिए हेडिंग पर अप्लाई हो रही है। अब यही फॉर्मेटिंग अगर आप हेडिंग 2 के लिए अप्लाई करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसी की ऐसी लिखनी पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसे कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, आप कॉपी कर लेंगे, तो यही सेम फॉर्मेटिंग आप हेडिंग 2 के लिए भी अप्लाई करवा सकते हैं। अभी हम बिना CSS के जो ग्रुप सेलेक्टर है
उसके अप्लाई करके देख रहे हैं। यहाँ पे हेडिंग वन की जगह हम टू लिख देंगे क्योंकि हम सेकंड पैराग्राफ के लिए करवाना चाहते हैं, हमारे सेकंड हेडिंग के लिए। और रिफ्रेश करेंगे सेव करने के बाद, तो देखिए सेकंड पे भी आपको वही फॉर्मेटिंग शो हो रही है जो कि हमने फर्स्ट पे करवाई थी। ठीक है, ग्रुप्स में हम डिफाइन करते जा रहे हैं। नेक्स्ट अभी हम पैराग्राफ पे भी चाहते हैं यही सेम फॉर्मेटिंग हो जाए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पैराग्राफ के लिए भी, बस यहाँ पे हेडिंग वन को यहाँ से कॉपी कराते हैं, यहाँ से पी लिख देंगे तो ये पैराग्राफ टैग के लिए असाइन हो जाएगी सारी फॉर्मेटिंग्स। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और ब्राउज़र विंडो पे आके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए पैराग्राफ्स के लिए भी वही सेम फॉर्मेटिंग हो गई है। तो आपको क्या करनी पड़ रही है, अलग अलग आपके सभी की फॉर्मेटिंग करनी पड़ रही है। ठीक है, तो इन सब से बचने के लिए, इतनी बार टेक्स्ट के लिए फॉर्मेटिंग टाइप करने से बचने के लिए हमने क्या, इसने CSS ने हमें कौन सा ऑप्शन दिया है, ग्रुप सेलेक्टर का। अब हम देखिए फर्स्ट वाले में हेडिंग वन लिख रहे हैं, फिर कॉमा लिख रहे हैं जैसे कि मैंने आपको स्लाइड में बताया था, फिर कॉमा लगा के हमने पी लिख दिया और उसके बाद हमने नीचे की सारी फॉर्मेटिंग रिमूव करके कंट्रोल एस से सेव कर दिया। कंट्रोल एस से सेव करने के बाद अगर हम ब्राउज़र विंडो पर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए सभी आपके जो भी कंटेंट्स थे, हेडिंग्स आपकी, आपके पैराग्राफ, उन सभी पर क्या हो गई है, सेम टाइप से फॉर्मेटिंग आपको आपके ब्राउज़र विंडो पर शो हो रही है। देखिए पी को हटा के देखते हैं, पी को रिमूव करके हमने सेव करके रिफ्रेश पे गए तो देखिए पैराग्राफ पे वो फॉर्मेटिंग अब नहीं है। यानी आप अपना टाइम बचाते हुए, स्पेस बचाते हुए आप ग्रुप सेलेक्टर के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देख सकते हैं। जहाँ जहाँ भी आपको सेम फॉर्मेटिंग रखनी है आप ग्रुप सेलेक्टर का यूज़ भी करके देख सकते हैं। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं।